कुछ मूल्य गिन लो, वापस चल चलो। आज तो मेरा पुत्र भी अन्य जैसा व्यवहार कर रहा है, मेरा अपना स्वयं का पुत्र भरत जिसको मैंने पैदा किया है। कहा ना, जनकर भी मैंने इन भरत को जाना, जिसको मैंने स्वयं पैदा किया है, जिसकी जननी हूं, ऐसा भरत आज अन्य जैसा व्यवहार कर रहा है, व्यवहार कर रहा है। आज अन्य सा हुआ कौन? वत्स पुत्र। वत्स मतलब होता है पुत्र। आज मेरा पुत्र भी अन्य जैसा हो गया, लग रहा दूसरे का पुत्र है, मुझे अपनी माता मानने को स्वीकार नहीं है। कहा कैकेयी ने आगे, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे। प्रार्थना है मेरी, छीने न भरत का मातृपद किंतु मुझसे, लिखा है छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। कहते आते थे यही अभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र को पुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कहके अपने ऊपर कहती है कि थूके, मैंने काम ही ऐसा किया है, यह तीनों लोक मुझ पर थूके। जब कोई व्यक्ति गलत व्यवहार करता है, गलत आचरण करता है, तो लोग क्या करते हैं? अट्ठू, गलत काम किया है, यानी आचरण विहीन कार्य किया है उसने। कहा कैकेयी ने थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके। त्रैलोक यानी तीनों लोग, स्वर्ग धरती पाताल तीनों में जिसको जो मन में आए मुझे कहे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। थूके मुझ पर त्रैलोक के भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। कोई क्यों चूक जाए भाई, जिसके मन में जो आए कहे, सब मैं सहन करने को तैयार हूं, अपराध की हूं तो मुझे सहन करने की आदत डाल लेनी है। लेकिन सब कुछ स्वीकार है, लेकिन अभी भरत ने क्या कहा था? निज जननी के हाथ हनन था मेरा, मेरी मृत्यु किसके हाथ में की थी? अपनी माता के हाथ, अर्थात मैं इनको माता मान ही नहीं रहा। भरत ने ही कहा था ना, कहा कैकेयी ने छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, किंतु भरत का मातृपद मुझसे कोई मत छीने। मुझसे कोई ये ना कहे कि मैं भरत की माता नहीं हूं, मैं भरत की माता बनी रहना चाहती हूं, अर्थात भरत मुझे माता नहीं कहे।